अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इकरा सईद। चैप्टर 9 मेमोरी स्टार्ट है। आज हम लेक्चर 3 पढ़ेंगे जिसमें हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी मॉडल्स। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन पढ़ी थी जिसमें हमने 3 R's को डिस्कस किया था कि द एबिलिटी टू रिकॉर्ड रिटेन एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड मेमोरी। फिर हमने मेमोरी प्रोसेस पढ़े कि इसके 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 इज़ रिकॉर्डिंग और इनकोडिंग जिसमें चीज़ों को लर्न किया जाता है। 2nd में रिटेनिंग और स्टोरेज एंड 3rd वॉज रिट्रीवल जिसमें चीज़ों को रिकॉल और रिकॉग्नाइज किया जाता है। 2nd लेक्चर में मैंने टाइप्स ऑफ मेमोरी डिस्कस की थी। 1st थी सेंसरी मेमोरी जो फ्यू सेकेंड्स के लिए होती है। 2nd पे शॉर्ट टर्म मेमोरी जो 30 सेकेंड के लिए मेमोरी में चीज़ें स्टोर होती हैं। और 3rd पे हमने लॉन्ग टर्म मेमोरी डिस्कस किया था। ये वो मेमोरी होती है जहाँ पे चीज़ें लाइफ टाइम के लिए स्टोर हो जाती हैं। तो इस तरह से करके आपने ये टेबल बना लेना है, ठीक है, जिसमें 1st पे सेंसरी मेमोरी, 2nd शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड 3rd विल बी लॉन्ग टर्म मेमोरी। फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में मॉडल्स की बात करेंगे, या फिर अगर आपके पास सवाल आते हैं ना टाइप्स ऑफ मेमोरी पे बात करें तो आपने ये पूरा टेबल बनाकर इसको डिस्कस करना है। अगर शॉर्ट में आएगा तो शॉर्ट लिखना है, लेकिन अगर लॉन्ग में आएगा तो फिर उसकी डिटेल आज हम सारी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में फर्दर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी आती है। 1st इज़ एक्सप्लिसिट मेमोरी, 2nd इज इम्प्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी में हम डिक्लेरेटिव मेमोरी डिस्कस करेंगे, जबकि इम्प्लिसिट मेमोरी में हम प्रोसीजरल मेमोरी पे बात करेंगे। फिर फर्दर अगर देखा जाए तो डिक्लेरेटिव मेमोरी में सिमेंटिक मेमोरी एंड देन एपिसोडिक मेमोरी आता है, ठीक है। तो ये टेबल अच्छे से याद कर लो, जब भी आपको याद हो जाएगा तो फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई इशू नहीं होगा। अब हम जिस बुक को फॉलो कर रहे हैं उस बुक में ये इस तरह से है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी मॉडल्स को हम 1st पे डिक्लेरेटिव मेमोरी में डिवाइड करेंगे, 2nd पे प्रोसीजरल मेमोरी में डिवाइड करेंगे, और फिर डिक्लेरेटिव मेमोरी पे हमारे पास आता है 1st सिमेंटिक मेमोरी एंड 2nd इज एपिसोडिक मेमोरी। आप प्रीवियस चार्ट को भी फॉलो कर सकते हैं और इसको भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों में कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं। मॉडल्स ऑफ मेमोरी। मोस्ट रिसर्च नाउ सजेस्ट डैट लॉन्ग टर्म मेमोरी इज कम्पोज्ड ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स और मेमोरी मॉडल्स। ईच ऑफ दिस मॉडल्स इज रिलेटेड टू अ सेपरेट मेमोरी सिस्टम इन द ब्रेन। दीज आर डिक्लेरेटिव मेमोरी एंड प्रोसीजरल मेमोरी। हर मॉडल का सेपरेट मेमोरी सिस्टम है ब्रेन में, ठीक है। कुछ पार्ट जो हैं वो फैक्ट्स एंड इवेंट्स याद करने में मदद करते हैं, कुछ स्किल्स में हेल्प आउट करते हैं, कुछ हमारा पर्सनल नॉलेज को रिमेंबर करने में हेल्प आउट करते हैं। 1st इज़ डिक्लेरेटिव मेमोरी। डिक्लेरेटिव मेमोरी इज़ अ मेमोरी फॉर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, नेम्स, फेसेस, डेट्स एंड द लाइक। यानी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं ना, वो हम डिक्लेरेटिव मेमोरी की वजह से ही याद रख पाते हैं। लोगों के नाम हो गए, चेहरे हो गए, तारीख वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें डिक्लेरेटिव मेमोरी में आएंगी। डिक्लेरेटिव मेमोरी कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सेमेंटिक एंड एपिसोडिक मेमोरी। ये टेबल सामने आ गया कि डिक्लेरेटिव मेमोरी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। 1 इज सिमेंटिक मेमोरी एंड द अदर 1 इज एपिसोडिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी में हम जनरल मेमोरी इंक्लूड होती है हमारी, जबकि एपिसोडिक मेमोरी में पर्सनल नॉलेज हम याद रखते हैं। अब इसको इस तरह से लिखना है, सेमेंटिक मेमोरी इज़ मेमोरी फॉर जनरल नॉलेज, ठीक है। यानी जीके जो होता है, जितना भी वर्ल्ड के बारे में हमारा जनरल नॉलेज होता है किसी भी चीज़ के बारे में, उसको हम याद रखते हैं। एंड फैक्ट्स, यानी फैक्ट्स एंड फिगर्स जो होते हैं वो अबाउट द वर्ल्ड, एज वेल एज मेमोरी फॉर द रूल्स ऑफ लॉजिक फॉर डिडक्टिंग अदर फैक्ट्स, ठीक है। जितने भी फैक्ट्स वगैरह होते हैं, रूल्स और लॉजिक होते हैं, किसी भी चीज़ की लॉजिक क्या है, वो सारी चीज़ें हम सिमेंटिक मेमोरी में डिस्कस करते हैं, या सिमेंटिक मेमोरी में ये सारी चीज़ें आएंगी। बिकॉज ऑफ सिमेंटिक मेमोरी वी रिमेंबर डैट 2 × 2 इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। अब थोड़ा और फर्दर इसको देखें, अगर सिमेंटिक मेमोरी को, दिस मेमोरी हैज़ एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अलाउइंग द इंडिविजुअल टू डेवलप मेंटल मॉडल्स ऑफ इन्वायरमेंट। सिमेंटिक मेमोरी कैन इन्वॉल्व कॉग्निटिव एक्टिविटीज़, ठीक है, जिसमें हमारी थाट्स वगैरह इन्वॉल्व होंगी ना, वो सारी एक्टिविटीज़ सिमेंटिक मेमोरी में आएंगी। नॉलेज डैट इज़ यूज इन एवरी डे एक्सपीरियंस सच एज 2 + 2 = 4, इट्स डार्क एट नाइट आर एग्जाम्पल ऑफ सिमेंटिक मेमोरी, ठीक है। जितनी भी फैक्ट्स होगी, हकीकत होगी, रियलिटी होगी, उस चीज़ पे ये बात करता है।
एपिसोडिक मेमोरी इज द हाईएस्ट मेमोरी सिस्टम एंड प्रोवाइड्स द एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेनिंग नॉलेज अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंस. ठीक है, सिमेंटिक मेमोरी में फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात की थी, जबकि एपिसोडिक मेमोरी में पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल एक्सपीरियंसेस हम याद रखते हैं. समटाइम्स कॉल्ड ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, इट इंक्लूड्स इवेंट्स डैट हैव पर्सनल मीनिंग टू अस. ठीक है, इसमें वो इवेंट्स आते हैं जो हमारे पर्सनल होते हैं. रिमेंबरिंग डैट वी हैड चिकन फॉर डिनर लास्ट नाइट और डैट वी सॉ अ मूवी विद अवर फ्रेंड्स फरीदा एंड फोजिया, लास्ट वीक आर एग्जाम्पल्स ऑफ एपिसोडिक मेमोरी. क्योंकि ये हमने पर्सनली देखा है, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई मूवी देखे हर कोई फ्रेंड्स के साथ जाए, तो ये हमने देखा है, इस वजह से ये हमारी पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया. लाइक सिमेंटिक मेमोरी, दिस फॉर्म इन्वॉल्व्स कॉग्निटिव एक्टिविटीज़. ठीक है, तो सिमेंटिक मेमोरी की तरह एपिसोडिक मेमोरी में भी हमारी कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ यानी थॉट्स इन्वॉल्व होती हैं. डिक्लेरेटिव मेमोरी को अगर समराइज करें तो इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आती है. इसको दो पार्ट्स में सिमेंटिक मेमोरी है. सिमेंटिक मेमोरी में हम जनरल मेमोरी को याद रखते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स वगैरह याद रखते हैं, जबकि एपिसोडिक मेमोरी में हम पर्सनल नॉलेज, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, पर्सनल इवेंट्स को याद रखते हैं. सेकेंड मेमोरी की टाइप हम डिस्कस करेंगे, जिसको प्रोसीजरल मेमोरी कहते हैं. सेकेंड वन इज़ प्रोसीजरल मेमोरी. प्रोसीजरल मेमोरी इज़ द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ मेमोरी इन्वॉल्विंग द इन्फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्सेज. एस व्हेन एनिमल्स और ह्यूमंस लर्न टू रिस्पॉन्ड बिहेवियरली इन अडॉप्टिंग टू देयर इन्वायरमेंट. ठीक है, प्रोसीजरल मेमोरी में क्या होता है कि इंडिविजुअल या कोई भी चीज़ जो होती है वो एसोसिएशन बनाना सीख लेती है, लिंक बनाना सीख लेती है स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्सेज के दरमियान में. फॉर एग्जांपल एनिमल्स और जो ह्यूमंस होते हैं वो सीखते हैं कि किस तरह से अपने इन्वायरमेंट में अडेप्ट होने के लिए कौन कौन सा बिहेवियर उन्होंने चूज़ करना है और कौन सा नहीं करना. दिस टाइप ऑफ मेमोरी रेफर्स टू मेमोरी फॉर स्किल्स एंड हैबिट्स. यानी हमारी जो स्किल्स और हैबिट्स होती हैं वो प्रोसीजरल मेमोरी में आती हैं, सच एज राइडिंग अ बाइक और हिटिंग अ बेसबॉल. ठीक है, बाइक वगैरह सीखना, जितनी भी हम चीज़ें लर्न करते हैं ना वो प्रोसीजरल मेमोरी में आएंगी. इन शॉर्ट, इन्फॉर्मेशन अबाउट थिंग्स इज स्टोर्ड इन डिक्लेरेटिव मेमोरी. चीज़ों के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है वो हमारी डिक्लेरेटिव मेमोरी में स्टोर होती है. Whereas information regarding how to do things is stored in procedural memory. जबकि चीज़ों को हमने करना कैसे है, practical कैसे करना है, वो सारा हमारा procedural memory में store होता है. अदर मॉडल्स ऑफ मेमोरी देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट पे है एसोसिएटिव मेमोरी, सेकेंड इज़ फ्रेमिंग एंड द थर्ड वन इज़ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट मेमोरी. एसोसिएटिव मेमोरी, मैनी साइकोलॉजिस्ट यूजिंग एसोसिएटिव मॉडल्स ऑफ मेमोरी आर्ग्यू डैट सिमेंटिक मेमोरी कॉन्सिस्ट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस पीसीज ऑफ इन्फॉर्मेशन. ठीक है, वही बात के एसोसिएट है ना, तो लिंक बना लेते हैं चीज़ों के दरमियान में. विच योर सम ऑफ द रिलेशनशिप इन मेमोरी रिलेटिंग टू एनिमल. द बेसिक नोशन बिहाइंड एसोसिएटिव मॉडल इज डैट वैन वी थिंक डैट अ पर्टिकुलर कंसेप्ट और अवर सेट सिमेंटिक मेमोरी एक्टिवेट द रिकॉल ऑफ रिलेटेड कंसेप्ट ब्रिंगिंग डैम मोर रैपिडली टू द माइंड. ठीक है, जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हम उसे रिलेटेड चीज़ों के बारे में भी सोचते हैं, लिंक बना लेते हैं ताकि हम चीज़ों को ईजीली याद कर सकें. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर ट्राइंग टू रिमेंबर सम स्पेसिफिक बिट ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, कोई ख़ास हम इंफॉर्मेशन याद करना की कोशिश करते हैं, सच एज वेयर वी लेफ्ट अवर सन ग्लासेस. फॉर एग्जाम्पल कि हमने अपनी सन ग्लासेस कहाँ रखे थे. थिंकिंग अबाउट एसोसिएटेड मटेरियल में हेल्प अस रिकोलेक्ट इट. तो हम उस मटेरियल के बारे में याद करते हैं जो उससे रिलेट कर रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल सच एज वेयर वी वर व्हेन वी लास्ट वोर द सन ग्लासेस, कि जब हमने लास्ट टाइम ग्लासेस पहने थे तब हम कहाँ थे. तो हो सकता है कि हमने उसी जगह रख दिए हो. तो हम चीज़ों को लिंक करते हैं, एसोसिएशन बनाना सीख लेते हैं या एसोसिएशन बनाते हैं ताकि हम चीज़ों को रिमाइंड कर सकें, याद कर सकें. नेक्स्ट इज फ्रेमिंग मॉडल ऑफ मेमोरी. ये अनकॉन्शियस होता है. इन फ्रेमिंग मॉडल ऑफ मेमोरी प्रेयर प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सब्सिक्वेंटली मेक्स इट ईजियर टू रिकॉल रिलेटेड आइटम्स. जो हमारे पास चीज़ों की पहले से इंफॉर्मेशन होती है उसकी वजह से हम न्यू आइटम्स को ईजिली रिकॉल्स कर सकते हैं या उनको कॉल कर सकते हैं या फिर रिलेट कर सकते हैं. इवन व्हेन वी हैव नो कंसाइज मेमोरी ऑफ द ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन, जबकि हमारे पास ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन नहीं होती. फॉर इंस्टेंस स्टडीज हैव फाउंड दैट पीपल हु आर एनेस्थेटाइज्ड ड्यूरिंग सर्जरी कैन समटाइम्स रिकॉल स्निप्स
ऑफ इंफॉर्मेशन डेट दे हैव हेयर ड्यूरिंग अ सर्जरी इवन दो दे हैव नो कॉन्शियस रिकोलेक्शन ऑफ द सर्जरी। सर्जरी करने से पहले जब पेशेंट्स को बेहोश किया जाता है तो उस वक्त वो बेहोशी की हालत में होते हैं और कुछ पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो उसको रिकॉल कर सकते हैं, जबकि कॉन्शियस रिकोलेक्शन में उनके पास ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन वो कहते हैं कि हमने बेहोशी की हालत में डॉक्टर को बात करते हुए सुना था या वो ये कह रहा था। तो इस तरह से चीज़ों को वो अनकॉन्शियसली मेमोराइज करने करता है, रिकॉल करता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। प्रिमिंग इज़ अ टेक्निक इन विच कंज्यूमर अनकॉन्शियसली मेक सम रिलेशन ऑफ द प्रोडक्ट विद कलर इमेज साउंड ऑफ द एडवर्टीजमेंट। के कंज्यूमर जो होता है ना वो एडवर्टीजमेंट के कलर इमेज और साउंड को देखते हुए प्रोडक्ट का रिलेशन बना लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वेन वी सी द पोस्टर्स ऑफ रेड कलर वी इमीजिएटली रिलेट दिस कलर विद हॉरर ब्लड लव एक्सेट्रा। ठीक है, जब भी हम रेड कलर का पोस्टर देखते हैं तो हम फ़ौरन से उसको रिलेट कर लेते हैं कि ये हॉरर होगा या फिर ब्लड का कलर है या फिर लव वगैरह का सीन होगा, बिकॉज रेड इज़ ऑफन यूज टू एडवाइज हॉरर वायलेंट एंड लव मूवीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इस वजह से हम लोगों के पास पहले से जो इन्फॉर्मेशन होती है ना उसको से हम चीज़ों को रिलेट करके चीज़ों को रिकॉल करते हैं, जबकि उस प्रोडक्ट की ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती, बल्कि हम पहले से जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है उसको यूज़ करते हुए न्यू चीज़ों से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट मेमोरी द डिस्कवरी डैट पीपल हैव मेमोरीज अबाउट विच दे आर अनअवेयर हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट वन। ठीक है, मेमोरीज होती हैं लेकिन उनके बारे में अवेयर नहीं होते। इट हैज़ लेड टू स्पेक्यूलेशन डैट टू फॉर्म्स ऑफ मेमोरी एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट मे एग्जिस्ट साइड बाई साइड। एक्सप्लिसिट मेमोरी रेफर्स टू इंटेंशनल और कॉन्शियस रिकोलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक्सप्लिसिट में इंफॉर्मेशन हमारे पास कॉन्शियस होती है, मतलब क्या हुआ कि कॉन्शियस रिकोलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन हम उसके बारे में अवेयर होते हैं। व्हेन वी ट्राई टू रिमेंबर नेम और डेट वी आर यूजिंग एक्सप्लिसिट मेमोरी। जब भी हम कोई डेट या नेम याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हम कॉन्शियसली याद करने की कोशिश करते हैं और वो एक्सप्लिसिट मेमोरी में आएगा। इन कंट्रास्ट इम्प्लिसिट मेमोरी रेफर्स टू मेमोरीज ऑफ विच पीपल आर नॉट कॉन्शियसली अवेयर, जबकि इम्प्लिसिट में हम चीज़ों के बारे में या मेमोरीज के बारे में अवेयर नहीं होते। ठीक है, अब ये छोटी सी बात है याद रखना, एक्सप्लिसिट कॉन्शियस होता है जबकि इम्प्लिसिट में हम अनकॉन्शियस होते हैं, बट विच कैन इफेक्ट सब्सिक्वेंट परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर, लेकिन वो परफॉर्मेंस और बिहेवियर को इफ़ेक्ट करता है। जल्दी से चीज़ों को समराइज़ करते हैं। हम टाइप्स ऑफ मेमोरी पढ़ रहे थे, सेंसरी मेमोरी लेस देन सेकंड के लिए होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी 30 सेकंड्स के लिए, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें जो हैं वो लाइफ टाइम के लिए सेव हो जाती हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी के मॉडल्स हमने पढ़े, जिसमें फर्स्ट पे हमने इसको डिवाइड किया एक्सप्लिसिट मेमोरी वर्सेज इम्प्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी कॉन्शियस अवेयरनेस होती है हमें, जबकि इम्प्लिसिट में अनकॉन्शियस होती है हम इंफॉर्मेशन के बारे में। फिर एक्सप्लिसिट में हमारे पास आती है डिक्लेरेटिव मेमोरी, जबकि इम्प्लिसिट में हमारे पास आता है प्रोसीजरल मेमोरी। डिक्लेरेटिव मेमोरी में हम फैक्ट्स और इवेंट्स की बात करते हैं, जबकि प्रोसीजरल मेमोरी में हमारी स्किल्स और हमारे टास्क आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिक्लेरेटिव मेमोरी को हम फर्दर उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वन इज़ सिमेंटिक मेमोरी एंड सेकंड वन इज़ एपिसोडिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी में जनरल नॉलेज हम याद रखते हैं, फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स याद रखते हैं, जबकि एपिसोडिक मेमोरी में हमारी जो पर्सनल नॉलेज होता है, पर्सनल एक्सपीरियंसिस, पर्सनल इवेंट्स जो होते हैं उनकी मेमोरी सेव होती है, स्टोर होती है। ठीक है, तो ये सारा टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में था। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह थेरेपीज ऑफ मेमोरी पढ़ेंगे। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।